हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे टेडी बियर केक। हम यहाँ पे वनीला स्पॉन्ज लेंगे और उसके 3 स्लाइस कर लेंगे और शुगर सिरप स्पॉन्ज के ऊपर अपने मुताबिक कर लेंगे। शुगर सिरप के बाद वनीला क्रीम हम अच्छे से आइसिंग कर लेंगे और उसके बाद जो भी हम फ्लेवर बना रहे हैं उसको उसके ऊपर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम अपना फ्रेश फ्रूट केक बना रहे हैं और हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फिलिंग ली है और हमने चॉप करे हुए फ्रेश फ्रूट यहाँ पे हमने डाल दिए हैं और उसके ऊपर से हमने दूसरी लेयरिंग स्टार्ट कर दी है और हमारे केक की लेयरिंग हो चुकी है। हमने यहाँ पे अपना केक की लेयरिंग करके फ्रिज में करीब करीब आधा घंटा रखा है। हम आपको दिखा तो नहीं सकते मगर हम आपको बता रहे हैं कम से कम आधा घंटा लेयरिंग करने के बाद फ्रिज के अंदर रखें और जब उसकी आइसिंग करें। यहाँ पे हमने अपने केक की आइसिंग शुरू कर दी है और हम अपने केक की आइसिंग कर रहे हैं और हमने यहाँ पे वाइट क्रीम में अपने पिंक कलर के 2-3 ड्रॉप डाले हैं ताकि हमारा केक लाइट पिंक कलर का हो जाए। और अब हम अपने केक की आइसिंग कर रहे हैं। हमने अपने केक की स्मूथ आइसिंग करनी है। स्मूथ आइसिंग करने के लिए हमारी क्रीम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्रीम हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। जितने देर में हमारे केक की आइसिंग हो रही है उतने में आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर फोंडन की केक की वीडियो ऑलरेडी डाली गई हैं और जो आपको नॉलेज लेनी है वहाँ पे जाके और बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये टेडी बियर केक है और हमने अपने टेडी बियर की वीडियो नहीं बनाई है। हमारे पास काम बहुत था आज, हमने इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए। अगली बार से हम आपके लिए पूरी वीडियो बना के। और हमारा केक अब स्मूथ आइसिंग हो चुका है। अब हम अपने केक को बेस पे रख देंगे और जो भी हमने अपने कैरेक्टर बनाए थे इसकी डेकोरेशन कर देंगे। और हमने यहाँ पर नाम के कैरेक्टर टेडी बियर और बटरफ्लाई हमने बनाई थी और हम इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको ध्यान देना है जब कभी भी आप सेमी फोंडन केक बना रहे हो उस पर जब करेक्टर लगाते हो तो उसमें 1 या 2 टूथपिक ज़रूर लगाएं। और जब हम साइड में बटरफ्लाई या कोई स्टार या कोई फ्लावर लगाते हैं उसमें वाइट चॉकलेट हल्की सी ऐड करके, मतलब पीछे से वाइट चॉकलेट ज़रूर लगाएं। इससे हमारा कैरेक्टर नीचे को फिसलता नहीं है। और हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप वीडियो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए हमेशा बनाते रहेंगे केक की वीडियो और चलो फ्रेंड, आज के लिए है इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले केक के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।